वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एक बुजुर्ग थे जो औलिया को दर्स देते थे, वलियों को दर्स देते थे। एक मर्तबा वो दर्स दे रहे थे, दौराने दर्स करीब में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते हुए बच्चे खेलते खेलते गेंद जो है वो उछल कर उन बुजुर्गों की महफिल में आ गई। बच्चों में हिम्मत नहीं हुई ताकि जाकर के गेंद लाएं। ये जो बेअदब पैदा होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई नक्श होता है। बगैर नक्श के कोई बेअदब पैदा नहीं होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया खैबर के मौके पर कि अली से मोहब्बत सिर्फ हलाली कर सकते हैं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं उसके बाद से अगर किसी बच्चे की पैदाइश में शक होता तो लोग ज्यादा मसाइल में नहीं पड़ते, बस उस बच्चे के सामने मौला अली का नाम ले लेते। अगर बच्चा अली की मोहब्बत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली है, और मौला अली से अदावत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली नहीं है। यारो, जब गैरे हलाली अली से मोहब्बत नहीं कर सकता तो गैरे हलाली नबी से मोहब्बत कैसे कर सकता है? ये जो बेअदबों की एक टोली निकल रही है ना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदजबानियां हजियान गोइयां जो हो रही है ना, तो इनसे कहो कि पहले ये अपने शजरे नसब को तलाश करें, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत हर ऐरे गैरे को नहीं दी जाती। अदब और ताजीम हर ऐरे गैरे को नहीं दिया जाता। जिनके नसब में शराफत होती है उन्हें नबी की ताजीम और एहतराम दिया जाता है। इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा है, नबी की ताजीम और अदब वरासत में नहीं मिला करती, ये मां की शराफत से मिला करती है। माए शरीफ होती है तभी नबी की ताजीम मिला करती है, नबी का एहतराम मिला करता है। बहरहाल सारे बच्चे अदब की वजह से छुप गए। जब बुजुर्ग का बच्चा था उसने पूछा क्यों, खेल क्यों रुक गया? तो कहने लगे खेल इसलिए रुक गया, खेल इसलिए रुका के बुजुर्गों की महफिल में गेंद चली गई है, किसी में हिम्मत नहीं है कि लाए। का बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, बुजुर्गों की महफिल में गेंद गई और खेल रोक दिया, मैं लाता हूं। आया, सलाम भी नहीं किया, गुस्सा गेंद लेकर के भाग गया। लोग हैरान थे, इतने बड़े वली का बेटा है, इतना बेअदब, न सलाम न कलाम। सब बच्चे छुप गए गेंद को महफिल में आता देखकर, और ये आकर के बेबाकी के साथ ले गया। और बुजुर्ग साहेब कशफ थे, अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, लेकिन कभी कभी अहले कशफ की तवज्जे भी इम्तिहानन हट जाती है, तो तकदीर का लिखा हुआ होता ही होता है, क्योंकि इंसान की तदबीर पर खुदा की तकदीर ही गालिब आती है। बुजुर्ग ने फरमाया यारो, कसूर इसका नहीं है, कसूर तो मेरा और मेरी बीवी का है। अब लोगों को हैरत और हुई, इतने बड़े बुजुर्ग का कसूर कैसे? तो खुद फरमाते हैं मैं और मेरी बीवी कई दिन के फाके से थे, बहुत दिनों तक फाके हो गए। आधी रात के बाद हमारे पड़ोसी को पता चला कि हम लोग कई दिन से फाके से हैं, बहुत दिन से हम भूखे हैं। तो उसने आधी रात को उसके घर में जो कुछ था ला करके हमें पेश कर दिया। अब हम भूख से इतने बेचैन और मुस्तरिब थे कि हमने खाने की कोई तहकीक ही नहीं की कि ये खाना हलाल का है या हराम का है, उसके यहां किस तरीके से आता है, वो कमाता कैसे है। बगैर तहकीक के हमने वो खाना भूख की वजह से खा लिया, और उसी रात जब पेट में खाना गया तो दिल ने चाहा कि वजीफे जौजियत अदा करें, और उसी रात ये बच्चा अपनी मां के पेट में आया। जो हमने मशकूक डाउटफुल खाना खाया है, ये उसी डाउटफुल खाने का असर है, मशकूक मुश्तबा खाने का असर है कि ये बच्चा नाफरमान और बेअदब पैदा हुआ है। आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह वाला मशकूक मुश्तबा खाना खा ले तो
तो उनके घर में बेटा नाफरमान और बेअदब पैदा हो और हम जानबूझकर हराम की मंडियां लगाए तो हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार कैसे हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।